फेफड़े और हार्ट के रोगियों के लिए अब फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल जीवनदान का रूप लेकर गया है। नई एक्मो मशीन का आज जो है वो शुभारंभ किया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन साहब पुरुषोत्तम लाल जी, इन्हीं से जानते हैं। सर, आज नई एक्मो मशीन लेके आए हैं, क्या कुछ इसके फायदे हैं, किस तरीके से काम करेगी? देखो, जब ऑल अदर थिंग्स लाइक बलून पंप एंड यू नो जनरल केयर वेंटिलेटर्स, जब उनसे हमारा पेशेंट इम्प्रूव ना हो और पेशेंट हमारे हाथ से जा रहा है, तो ये एक एमरजेंसी डिवाइस है, एमरजेंसी मशीन है, जिसको हम लगाकर हार्ट को बाईपास कर देते हैं, लंग्स को बाईपास कर देते हैं। एक पेशेंट जो वेंटिलेटर पर होता है, आप ये मशीन लगाकर इवन वेंटिलेटर से ऑफ कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें एक उम्मीद होती है कि रिकवरी हो जाए, हालांकि ये नहीं है कि सभी में रिकवरी होगी, बट दैट इज द ओनली सोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में इस चीज़ के सिवा कोई और एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल नहीं है, और वो चीज़ जो है अभी आम पब्लिक जो फरीदाबाद की है उनके लिए बिल्कुल उपलब्ध। फरीदाबाद में पहली बार इस तरीके की मशीन लेके आए हैं आप, अभी तक किसी भी हॉस्पिटल में इस तरीके की मशीन नहीं आई थी, तो कितना फ़ायदा लगभग जो है फरीदाबाद के लोगों को होगा, कितना फ़ायदा वो होगा? हमें सी वी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स गोल क्या है, टू सेव द लाइव्स, टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, तो ये एक मेजर स्टेप है टूवर्ड दैट। इंटेंसिव केयर यूनिट जितना बड़ा आप करते हैं उतनी आप पेशेंट को बचाते हैं, तो बिल्कुल किसी की यंग पर्सन की, ओल्ड पर्सन की, फैमिली डियर नियर अगर वो बच जाए इस मशीन से तो सभी को खुशी। कीमत की बात करी जाए सर, लगभग कितना खर्चा जो है वो वहन करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हॉस्पिटलों में मोटा खासा बिल लग जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? देखो, ये चीज़ का हम कोई भी चीज़ नहीं लेकर आते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पहले ही सोचते हैं। तो इस चीज़ का जैसे आम जो रेट है वो अप टू 2 लाख 2.5 लाख फर्स्ट डे में आता है, उसके बाद 50,000 ईच डे, तो वी विल रिड्यूस इट सब्सटेंशियली डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। और किस तरीके की अगर कोई बात कर जाए, कुछ और नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, लगातार नई टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, मेट्रो हॉस्पिटल लगातार नई टेक्नोलॉजी पे काम, कुछ और आगे टेक्नोलॉजी के बारे में विचार किया आपने? और क्या नई टेक्नोलॉजी आगे कुछ और लेके आएंगे? हाँ बिल्कुल, चलता रहेगा। हमारी नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज टू स्टार्ट द लिवर ट्रांसप्लांट, तो वो दैट इज इन द पाइपलाइन, वी कैन स्टार्ट एनी एंड, बाकी तो फिर चलता रहेगा। तो ये मेट्रो के चेयरमैन डॉक्टर लाल हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोगों को अब जो है ये मशीन जो है वो कारगर साबित होगी, और जो हार्ट और लंग से जुड़े हुए जो पेशेंट थे जितने भी, लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उन मशीनों को सीधे तौर पर इस मशीन से फ़ायदा पहुँचेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।